कोरोना महामारी के चलते मंडी शहर में रेहड़ी मार्केट बंद पड़ी थी, तो लोगों ने वहां दोपहिया वाहनों को पार्क करना शुरू कर दिया। उस पर मंडी ट्रैफिक पुलिस द्वारा आइडियल पार्किंग में खड़े दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 4002 पहिया वाहनों के चालान किए गए। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज जगदीश चंद ने कहा कि शहर में जहां भी आइडियल पार्किंग में वाहन पार्क किए गए हों, उन सभी के चालान किए जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वाहनों को पार्किंग में पार्क करें। जो शहर में आइडल पार्किंग के ज़्यादा व्हीकल जो है वो इधर उधर खड़े करते हैं लोग, तो उसकी वजह से हमारे को ज़्यादा परेशानी होती है ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए। इस वजह से फिर हमारे को चालान करना पड़ते हैं। तो अगर लोग आइडल पार्किंग ना करके के पार्किंग में अगर गाड़ियाँ लगाएं तो हमें चालान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को मैं सुझाव दूँगा कि भी अपनी अपनी गाड़ियाँ जो पार्किंग में लगाएँ इन फ्यूचर। जब भी आइडल पार्किंग में गाड़ी लगी होगी तो चालान तो करना पड़ेगा, इसी चीज़ से लोगों को परेशानी ना हो, इस वजह से हमारे को चालान करना। वैसे हम रूटीन में जैसे हम चालान करते हैं, इसके लिए इसमें कुछ कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आइडल पार्किंग जहाँ भी मिलती है गाड़ी तो उनका चालान करना करीब 40 से 50 के बीच में। जैसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि जब भी गाड़ियाँ शहर में लाएं तो पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करें, जिससे ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें भी सही दिक्कत ना आए और आम जनता को भी कोई असुविधा ना हो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।